जय हिंद नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने पैरों की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत सारे भाइयों का ऊपर का शरीर अच्छा खासा होता है, बट उनकी टांगे बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी बोरिंग सी दिखती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आपके पैरों की लंबाई है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 इंच कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर जो भी भाई बहन नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूं और उन भाइयों की मदद करता रहता हूं जो अपनी कम हाइट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सारे भाइयों की हाइट बढ़ चुकी है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चैनल पर जाके देख लेना, आप मेरी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, इसी चैनल पर जाके देख लेना। और कितने भाइयों की लंबाई बढ़ चुकी है, 70 भाइयों की हाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने पैरों की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हो, टांगों की लंबाई आपकी कितने दिनों में बढ़ जाएगी, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपनी टांगों की हाइट बढ़ाने के लिए। और अगर आपकी टांगे इंक्रीज हो चुकी हैं, सही हैं, अच्छी खासी हैं और आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, मेन पॉइंट अगर आप अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो, तो वो भी आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में 2 टिप्स बताऊंगा मैं आपको। एक तो आप अपनी टांगों की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपकी टांगें छोटी हैं, और दूसरी जो अगर आपकी हाइट कम है और आप अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो तो आप अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। पहले बात करने वाले हम आप अपने पैरों की लंबाई कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने वाले। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है सुबह शाम। जो मैं एक्सरसाइज बताता हूं उनको आपको आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को वर्कआउट आपको डेली करना है 2 महीने तक, अगर आप अपनी टांगों की लंबाई को इंक्रीज करना चाहते हो। 1.5 महीने तक करो, कंप्लीट हो जाएंगे। 2 महीने इसलिए बता रखा है कि किस किसी भाई की जो टांगे इंक्रीज होने में ज्यादा समय लगता है, इसी के चक्कर में 2 महीने में बता देता हूँ, ठीक है। तो 1.5 महीने आपको करना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज हो गई। सेकंड एक्सरसाइज ये हो गई, आपको स्क्रीन पर कुछ एक्सरसाइज चलते हुए दिख रही होंगी, इन एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू आपको 1.5 महीने तक करना पड़ेगा अगर आपकी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो और आप अपनी टांगों की लंबाई इंक्रीज करना चाहते हो। 2 इंच तक आपकी टांगों की लंबाई अगर बढ़ेगी तो इन एक्सरसाइज से कंटिन्यू आपकी टांगों की लंबाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन एक्सरसाइज को कंटिन्यू आपको करना। अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी लंबाई को कैसे ग्रो कर सकते हो, आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो। तो हाइट को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। इन तीनों एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, आपको पैरों को पीछे रखना है, हाथों को बिल्कुल आगे रखना है, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई हमारी, और सेकंड एक्सरसाइज इस तरीके से। हैंगिंग एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करना है, कुछ हैंगिंग एक्सरसाइज भाई बहन करते हैं लेकिन उस हैंगिंग एक्सरसाइज करने से उनकी हाइट ग्रो नहीं हो पाती है, और किसी की होती भी है तो बहुत ज्यादा समय लगता है। जो मैं टिप्स बताता हूँ आपकी हाइट पक्का बढ़ेगी, 2.5 से 3 महीने तक एक्सरसाइज कंटिन्यू करो अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, ठीक है। आपको हैंगिंग एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, आपको अपने सर को ऊपर रखना है, आसमान की ओर आपको देखना है और आपको पैरों को मोड़ कर रखना है पीछे के लिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू आप करो, और ये 2 एक्सरसाइज हो गई। और जो मैंने लेग्स इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइज बता रही है, आपकी अपनी टांगों को कैसे बढ़ा सकते हैं वो एक्सरसाइज बता रखिए, उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो। ये आपको जो स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहे हैं एक्सरसाइज है, इन सारी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो अगर आप अपनी टांगों की लंबाई बढ़ाना चाहते हो और आप अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। इन एक्सरसाइज को करो, और हाइट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सभी भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।